चलते हैं आज अपने सेशन में और आगे के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट। दोस्तों, कई बार इस तरीके की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमने जो अपनी ADI बनाई थी, उस ADI के अंदर अमेंडमेंट आ जाता है कोई सी एक कॉलम का। मतलब पहले फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि मेरे पास 5 कॉलम थे और अब रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की आ गई कि मेरे को एक और नया कॉलम बनाने की जरूरत पड़ गई। कॉलम एक हो या दो हो या कितने भी हो सकते हैं, अब ये एक 6th कॉलम मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है और इसको अपनी वेब ADI में ठीक तरीके से यूज करना है। तो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की, फॉर एग्जाम्पल 5 कॉलम्स के अंदर कोई डिटेल थी, लेकिन 6 में कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके या कोई रिमार्क्स करके या कोई एट्रीब्यूट, कुछ भी एक वैल्यू आने वाली है जो मुझे इस 6 नंबर के फील्ड में ग्रैब करनी है और अपने ओरेकल ERP में डालनी है। सो किस तरीके से इसको अचीव कर लो, देखिए, क्योंकि टेबल थी, बट ऑब्वियस है टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, एक टेबल का ऑल्ट्रेशन करूंगा, टेबल को मैं ऑल्टर करूंगा। सो टेबल को ऑल्टर कर दूंगा और एक 6 कॉलम यहाँ पर ऐड कर दूंगा। स्क्रिप्ट और कोड आपको दोस्तों मिलेगा मेरे ब्लॉग पर हर वीडियो की तरह। सो टेबल ऑल्टर होगी, 6 कॉलम ऐड हो गया। अब बात करता हूँ कॉलम को अपनी वेब ADI के अंदर ऐड करने की। सो ऐड करने का क्या तरीका हो सकता है, दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर, लैब के अंदर दोनों तरीके दिखाऊंगा, किस तरीके से कॉलम को फ्रंट एंड से हम ऐड करते हैं और फ्रंट एंड से ऐड करने के बाद किस तरीके की परेशानियां या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, और उसी कॉलम को अगर हम बैक एंड से अपनी API के थ्रू ऐड करें तो वो किस तरीके से काम करता है। सो ये काम कॉलम ऐड करने का हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। टेबल में कॉलम आ गए, मैं फ्रंट एंड से जाता हूँ इंटीग्रेटर की ट्रेन नंबर सेकेंड, ट्रेन सेकेंड का मतलब है सेकेंड पेज। इंटीग्रेटर मैंने खोला, अपडेट पे क्लिक किया, देन सेकेंड पेज पे मेरे इंटरफेस के कंपोनेंट और कॉलम्स आते हैं। वहां पर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, देन मुझे अपना ऐड एट्रीब्यूट का एक बटन दिखाई देगा, उसके थ्रू मैं कॉलम वहां पर ऐड कर सकता हूँ। कॉलम ऐड हो जाएगा, अपने लेआउट में भी ऐड कर दूंगा, और लेआउट में ऐड करने के बाद जब मैं अपनी ADI को टेस्ट करूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, टेबल का कॉलम ऑल्टर होकर टेबल में भी दिख रहे हैं, वेब ADI का पर भी मैंने ऐड कर दिया, लेआउट में भी ऐड कर दिया, बट जब मैं टेबल में डेटा इंसर्ट करूंगा, मेरी वेब ADI मुझे सक्सेसफुल ग्रीन स्माइली एज ए आउटपुट रिटर्न करेगी और सक्सेसफुल दिखाएगी कि मेरा डेटा टेबल में इंसर्ट हो गया है। बट जब मैं टेबल का डेटा चेक करने जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा दोस्तों, कि मेरे 6 कॉलम में डेटा ही नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार मेरे बहुत सारे भाइयों को फेस करनी पड़ी होगी। आज इस सेशन में हम इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कॉलम ऐड करने के बाद उसका इंपैक्ट क्यों नहीं आता है, आज ये देखते हैं। सो इस चीज को ही हम बैकएंड से कवर करने की कोशिश करते हैं। हम बैकएंड से अपनी BNE इंटीग्रेटर यूटिल्स की एक पैकेज होता है, एक API होती है, इसका अपसर्ट इंटरफेस कॉलम एक पैकेज होता है, इसके थ्रू मैं अपना कॉलम ऐड करूंगा बैकएंड से और फिर उस कॉलम को लेआउट पे ऐड करूंगा और अपनी वेब ADI को टेस्ट करूंगा। और फाइनली सेम काम मैंने फ्रंट एंड से और बैक एंड से दोनों से किया, बट जब मैंने वही काम बैक एंड से किया तो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, 6 कॉलम में मुझे डेटा आने लगेगा, टेबल में इंसर्ट होने लगेगा। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं। ऐसी क्या फैसिलिटी है कि फ्रंट एंड से और बैक एंड से डेटा मेरा अलग अलग तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रंट एंड से डेटा मेरे टेबल में जाता नहीं है, लेकिन बैक एंड से वो API के थ्रू बनाने पर डेटा चला जाता है। जब मैं अपनी ADI फर्स्ट टाइम बनाता हूँ तो जितने भी कॉलम मेरे पैकेज से या जितने भी कॉलम मेरे टेबल से उठ करके इंटरफेस में दिखाई देते हैं, उन सबका टाइप होता है क्या, रियल, जिसकी वैल्यू बैक एंड पे होती है 1। गॉट इट। बट जब मैं वही काम फ्रंट एंड से ऐड कॉलम या ऐड एट्रीब्यूट के थ्रू करता हूं तो वहां पर मेरे कॉलम का टाइप हो जाता है कस्टम और उसकी वैल्यू होती है 2। कस्टम कॉलम मुझे विजिबल होता है हर जगह पर बट उसमें वैल्यू नहीं जाती है। बट जब यही काम हम बैकएंड से BNE इंटीग्रेटेड यूटिल्स के थ्रू करते हैं तो मेरा जो बैकएंड से कॉलम ऐड होता है उसका टाइप बन के जाता है रियल। इट मीन्स बैकएंड से मैं जो कॉलम ऐड कर रहा हूँ उसने मेरे कॉलम का जो टाइप है उसको चेंज कर दिया कस्टम से रियल, की वजह से मेरी ये पैकेज के थ्रू
बनाया हुआ नया कॉलम के अंदर मुझे वैल्यू रिसीव होती है। अब इस पूरे सेशन को जो मैंने डिस्कस किया है, इसको लेके चलते हैं लैब सेशन के अंदर और करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों चीजें फ्रंट से और बैक से कैसे कॉलम को ऐड करते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार लैब की तरफ चलते हैं। सो ऐड करने के लिए सबसे पहले है कि बट ऑब्वियस हमें अपनी टेबल में ही एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं देख सकता हूँ मेरी टेबल में टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल 5 कॉलम्स हैं। बट मैं एक एट्रीब्यूट 1 करके एक कॉलम ऐड कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरी टेबल में कितने कॉलम्स आ गए। सो दोस्तों मेरी टेबल में आफ्टर ऑल्टरेशन 6 कॉलम्स आ गए। पहले चलते हैं फ्रंट एंड पर और देखते हैं कि कस्टम कॉलम किस तरीके से ऐड करते हैं। सो सबसे पहले चलेंगे हम मैनेज इंटीग्रेटर पर, क्योंकि हमारा प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेबल वाली जो एडीआई है वो किस तरीके से बनती है। ये ही बनवाई थी हमने और इस पर हम गो करके फाइंड करके सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपडेट पर। ये एडीआई हमने बनाई थी फ्रेंड्स टेबल बेस। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि कॉलम की डिटेल जैसा मैंने बताया था कि पूरी एडीआई में कहीं नहीं होती, इंटरफेस वाले पर। तो इंटरफेस पे मुझे अपना ये चेकबॉक्स लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस चेकबॉक्स मेरे जो फील्ड्स हैं उनकी डिटेल मुझे शो हो जाएगी। यही 5 कॉलम थे। अब मुझे देखिए यहाँ पे एक ऐड एट्रीब्यूट का एक फीचर दिया हुआ है, तो इसको यूज करते हैं। मैंने ऐड एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर इसने मुझे ये बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स को काउंट करता है और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू अपने आप आता है। तो जैसा कि हमने देखा 5 कॉलम्स ऑलरेडी वहाँ हैं और इसने ऑलरेडी 6 इसको अटैच कर दिया है, बट एट्रीब्यूट नाम का मेरा एक ही कॉलम है। स्ट्रिंग टाइप का इसको रख लेते हैं, लेंथ इसकी 100 दे देते हैं और इसको कर देते हैं हम, इसका प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देते हैं, प्रॉम्प्ट भी एट्रीब्यूट ऑन कर दिया। सिंपली अप्लाई, इससे ज्यादा यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे मेरा एट्रीब्यूट और मेरी डिटेल बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आ गई है जैसे मेरे प्रीवियस कॉलम्स की थी। डिस्प्ले मुझे रखना है इसको अपनी वेब एडीआई पे, तो मैंने इसको चेकबॉक्स ले लिया। डिफरेंस देखिए दोस्तों, दोनों कॉलम्स जो प्रीवियस कॉलम थे फर्स्ट टाइम के वो रियल हैं, जो बाद में ऐड किया वो मेरी कस्टम है और ये नॉन एडिटेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देन अगेन नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश। कॉलम मेरा इंटरफेस में ऐड हो गया और अब बारी आती है इस कॉलम को लेआउट पर ऐड करने के लिए, जो मेरा एक्सेल का लेआउट बनता है। तो लेआउट के लिए मुझे कहाँ जाना है, डिफाइन लेआउट के अंदर गया। मुझे याद है मैंने किस नाम से अपनी एडीआई बनाई थी, मुझे याद है। एडीआई को हम सेलेक्ट कर लेंगे, गो करेंगे, क्योंकि लेआउट पहले से बना हुआ है तो लेआउट यहाँ आ गया है। दोस्तों लेआउट को कभी डिलीट करके नहीं बनाना है, क्योंकि डिलीट करके आप बनाएंगे तो प्रीवियस लेआउट्स में जो भी सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स था या जो भी कुछ आपने लगाया था वो सारा यहाँ से हट जाएगा। सो इसको हमेशा अपडेट पे लेना है। अपडेट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए वहां पे मैंने डिस्प्ले कॉलम को यस किया था अपने, जब मैंने फील्ड ऐड किया था मुझे कॉलम यहाँ दिख गया, मैंने इसको चेकबॉक्स लिया क्योंकि मुझे ये यूज करना है आगे लेआउट पर। नेक्स्ट किया और जैसे ही जो भी सबसे लास्ट कॉलम होता है मेरा वो सबसे ऊपर आ जाता है। दोस्तों इसका लेआउट में हम किस सीक्वेंस में रखना है वो भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं मूव अप एंड मूव डाउन से। सो मैं इसको सबसे लास्ट में ले जाता हूँ, जैसा कि ये बना हुआ है सबसे लास्ट में ऑल्टरेशन में भी, तो इसको सबसे एंड में लेके जाता हूँ। और दोस्तों ये आ गया मेरे सबसे एंड में। यहाँ पर आप क्या करना है, आप सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। नाउ मेरा लेआउट भी बन गया, इंटरफेस में मेरा कॉलम भी ऐड हो गया। अब टेस्ट कर लेते हैं इसको। मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अपना इंटीग्रेटर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कौन सा था, ये वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट और मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, डाउनलोड फाइल यहां पर ओपन। प्रोटेक्टिव मोड ऑन करूंगा, सिक्योरिटी इनेबल करूंगा और यहां पर मेरा लेआउट पीछे बन जाएगा विद न्यू कॉलम जो मैंने एट्रीब्यूट 1 करके ऐड किया है। अब मैं यहां पर देखिए दोस्तों कुछ वैल्यूज अपनी यहां पे इंसर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल 4 और इसमें कुछ न्यू वैल्यू न्यू डालूंगा कि ये न्यू है।
अब दोस्तों इसको अपलोड करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब मैं अपलोड करूंगा सक्सेसफुली मेरा डेटा अपलोड हो जाएगा, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। चैलेंज क्या आता है फ्रंट से ऐड करने पे, वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जितना भी काम मैंने किया है वो सक्सेसफुली डन हो गया है, बट अब इसको चेक भी करते हैं यहाँ पर कि सच में क्या मेरी वैल्यू आई है कि नहीं आई। दोस्तों आप देखेंगे मेरी सारी वैल्यूज जितनी भी थी वो यहाँ आ जाएंगी, बट एट्रीब्यूट वन में मेरी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है, जबकि फ्रंट में वो दिखाता है कि सक्सेस मेरा हो गया है। ये फंक्शनैलिटी ही ऐसी है कि फ्रंट से जब आप कॉलम ऐड करते हैं तो उसका टाइप कर देता है, वो देता है कस्टम। ये यहाँ पर कस्टम होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि मेरे को हर जगह ये प्रॉपर तरीके से दिखता है, बट इसकी वैल्यू मेरे सिस्टम में नहीं जाती है। अब मुझे क्या करना है, इसका सही सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ से डिलीट। कर दिया, सबमिट कर देता हूँ। अब मेरी वेब एडीआई जो है वो पहले जैसी हो गई है, जैसे पहले थे। अब चलते हैं बैकएंड पर। बैकएंड पर हम ऑलरेडी एक कॉलम ऐड कर चुके हैं। यहां पर ऐड करने के बाद आप सेकंड स्टेप जो मैं अब बताने वाला हूं दोस्तों, इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना भी मेरा काम हो जाता है। क्या, जो मैंने टेबल रजिस्ट्रेशन और कॉलम रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट वाले टाइप में बताया था कि हमें टेबल रजिस्टर करनी चाहिए, उसके बाद अपना कॉलम रजिस्टर करना चाहिए, वो स्टेप आप जब कॉलम ऐड करते हैं वो स्किप कर सकते हैं, बट फॉर बेस्ट प्रैक्टिस आपको वो चीज स्किप नहीं करनी चाहिए। आपने जब टेबल नहीं रजिस्टर की थी तो आपने सारे कॉलम भी रजिस्टर किए थे, तो उसी वजह से आपको जब आप ऑल्टर कर रहे हैं तो अपना जो एडिशनल कॉलम है उसको भी आपको ऐड करना चाहिए। बट किसी रीजन से आप भूल जाते हैं या आपके पास एक्सेस नहीं है या कुछ और रीजन है, देन इस वाले कॉलम रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप के बिना भी आपकी एडीआई सक्सेसफुली चलेगी। बट हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, हम इस कॉलम को रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपनी एडीआई से एग्जीक्यूट करके इसको रजिस्टर कर दिया। और अगला स्टेप आता है दोस्तों यहाँ का। यहाँ पे ये जो दो टेबल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इन टेबल्स को ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड, जो फ्रंट में हमने अपनी एडीआई का नाम दिया था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं अपनी इस टेबल पर, कौन सी, बीएनई इंटरफेस कॉल्स टीएल, और इसके अंदर इसके नाम को लाइक करके पास करते हैं और सेलेक्ट चलाते हैं। जैसे ही सेलेक्ट चलाते हैं दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर मेरे सारे कॉलम्स जो मेरी एडीआई में है वो मुझे दिख जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको एक एपीआई बता रहा हूँ, एपीआई का नाम है बीएनई इंटीग्रेटेड यूटिल्स, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पास करेंगे। अब देखिए वैल्यूज कैसे पास करनी है। देखिए ये मुझे नाम पता है, इंटीग्रेटर कोड ये मैंने यहाँ डाल दिया, एप्लीकेशन मुझे पता है दोस्तों ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसके बाद कॉलम कितने, 5 में डाल चुका हूं, नया कॉलम डाल रहा हूं तो 6 नंबर पे जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए 5 नंबर है, 6 मैंने डाल दिया। इंटरफेस कॉल टाइप, इंटरफेस को जैसे ही सिलेक्ट करता हूं तो जो यहां पर रियल दिख रहा है ये एट्रीब्यूट टाइप दोस्तों, ये है मेरा ये वाला फील्ड, किस टेबल का, इस टेबल का, इस टेबल का इंटरफेस कॉल टाइप जो है यही है 1 और 2, 2 फॉर कस्टम 1 फॉर रियल, ये मैंने पास कर दिया। कॉलम एट्रीब्यूट 1 देने वाला हूं मैं। इसके बाद क्या है, जो चीजें मैंडेटरी है बस वो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, बाकी फ्लैग्स तो देखिए इनेबल फ्लैग ये है, रिक्वायर्ड फ्लैग ये है, तो इनेबल, रिक्वायर्ड, डिस्प्ले, रीड ओनली, सारे मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में आपको दिखाए हुए हैं। टू क्या है, टू समझते हैं, ये है टू, टू फॉर व्हाट एंड थ्री फॉर व्हाट, थ्री फॉर डेट, टू फॉर वेरकेर एंड 1 फॉर न्यूमेरिक, वो भी मैंने देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया है। और अब इस कॉलम को हम बैकेंड से इसमें एक बार क्रिएट करते हैं थ्रू दिस एपीआई। ये मैंने एपीआई एग्जीक्यूट कर दी। यहां पर एपीआई में सक्सेसफुल हो गया, मुझे कमिट करना है उसके बाद, देन जाकर के सबसे पहले मैं अपनी टेबल्स के अंदर ही देख लेता हूं क्या मेरा कॉलम्स आ गया कि नहीं। देखिए 6 नंबर पे मुझे एट्रीब्यूट 1 यहीं पे दिखने लग गया। मैं वैल्यूज के साथ देख लेता हूं एक बार 6 नंबर को, ये 6 नंबर कॉलम में एट्रीब्यूट 1 है, टाइप भी डिफाइन कर दिया है मैंने, और आप यहां देखेंगे अगर 1 रियल ये भी मेरा हो गया। अब इसको एक बार दोबारा से फेच करके देखते हैं।
ये किया मैंने, अपडेट किया, नेक्स्ट, और अब क्या आप देखेंगे जो मेरा कस्टम कॉलम था वो कस्टम नहीं रियल की फॉर्म में मुझे दिखाई देगा, एट्रीब्यूट वन विद ऑल द डिटेल्स रियल, और इसको मैं यहां सबमिट कर देता हूं। एक बार लेआउट को चेक कर लेते हैं फिर अपनी वेब आईडी को टेस्ट करते हैं। सो लेआउट को टेस्ट करने का क्या है, मेरे लेआउट में वैसे कोई डिफरेंस नहीं आया होगा क्योंकि कॉलम मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। ये मेरा लेआउट है, नेक्स्ट किया, एट्रीब्यूट वन लाइन टेक्स्ट दिख रहा है मुझे बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट किया, ऑलरेडी बीन अटेस्ट, और यहां पर डन। अब आती है इसको टेस्ट करने की बारी। सो टेस्ट करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर सिंपल ये कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट डॉक्यूमेंट, यहां पर मैं सिंपली डाउनलोड फाइल करता हूं, सिंपली डाउनलोड फाइल करता हूं, ओपन करता हूं फाइल को, क्लोज करता हूं। अब इसको टेस्ट करते हैं क्या है, फाइव नंबर डालते हैं। अब और इसको अपलोड करके देखते हैं, अपलोड हो गया, सक्सेसफुल दिख गया। अब इसकी यहां पे देखिए ग्रीन स्माइली भी आ गया। मैं इसको बैकएंड से चेक भी कर लेता हूं, यही मेरी वीडियो की टेबल थी। और देखिए दोस्तों फाइव नंबर पर मनीष कुमार ही S10 सक्सेसफुल। सो ये डिटेल मेरी यहां पर प्रॉपर आ जाती है। सो दोस्तों इस सेशन के अंदर जो मुझे समझाना था आपको वो यही था कि किस तरीके से किसी कॉलम को फ्रंट से और बैक से किस तरीके से अटैच करते हैं, क्या सही तरीका है किसी कॉलम को ऐड करने का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कॉलम्स प्रोसीजर बेस्ड ADIs के अंदर ऐड होते हैं, साथ में प्रोसीजर बेस्ड ADI कैसे बनती है, और किस तरीके से अपने कस्टम मैसेजिंग और किस तरीके से अपने एक्सेप्शन या एरर मैसेज रिटर्न करवाते हैं। सो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने लैब के इस सेशन के अंदर काफी अच्छे से ये बात समझ ली होगी कि कैसे फ्रंट एंड से किसी एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं और कैसे बैक एंड से इस API के थ्रू कॉलम को ऐड करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डेटा मेरा लेआउट पे या इंटीग्रेटर पे ऐड होता है, और कैसे मेरा डेटा फ्रंट एंड एक्सेल के थ्रू सिस्टम में इंसर्ट हो जाता है। सो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज, आपका कंसेप्ट, आपके डाउट्स थोड़े बहुत भी क्लियर किए हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और कमेंट जरूर लिखेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने डाउट इसी तरीके से मेरे से शेयर करते रहेगा, सो दैट मैं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देता रहूं। इस तरीके से दोस्तों मैं भी आपसे सीखता हूं और आप भी मेरे से सीखते हो। इस मुहिम को इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, मेरे काम को, मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।